डालेंगे। आजकल अचार डल रहे हैं और सस्ते आम में बरसात के बाद में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो अचार अच्छा नहीं। तो आज हम आम का अचार डालते हैं, तो 5 किलो गेहूँ, मेथी, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च और जीरा, इसको फ्राई करके और इसको ग्राइंड कर लिया है और दरदरा ग्राइंड करना है ताकि ये मसाला आम के साथ चिपक जाए। अब कलौंजी डालेंगे, 2-3 चम्मच कलौंजी है, ये बाज़ार का मसाला है, इसमें मेथी, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, ये सब इसमें भी मसाला है, थोड़ा ये डालते हैं थोड़ा वो, तो मसाला ज़्यादा हो जाएगा, टेस्ट भी आएगा। थोड़ी देवी मिर्च ज़्यादा डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। लाल मिर्च भी, ताकि चटपटा थोड़ा अच्छा लगता है अचार, एकदम फीका अचार भी अच्छा नहीं लगता। अब इसमें डालेंगे लहसुन, हींग डालेंगे 2 चम्मच, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, हींग और स्वाद भी बढ़ते आता है। थोड़ा सरसों का तेल डाल के और सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हाथ से हिलाएंगे ताकि सारे मसाले लग जाएं। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग जाती है जैसे मसाले डल जाते हैं। इसको नमक और हल्दी लगा के रख दिया थोड़ी देर सुखा के, ताकि इस खटाई में जितना पानी है उसमें सारे मसाले जो हैं वो गीले हो जाएं। सौ सौ ग्राम डाल दिया मेथी, सौंफ, ज़ीरा तो 25 ग्राम डाल दिया, काली मिर्ची 5-6 चम्मच, धनिया 4-5 चम्मच, मिर्ची अपने अंदाजे से आप जितना खाते हैं, ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा अच्छा। इसमें तेल गरम करके रात को गरम कर दिया, फिर ठंडा कर दिया और सुबह इसमें डाल दिया, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसको बाहर धूप में नहीं रखना पड़ेगा। और ये बस, तो